महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार हनीमून पीरियड से बाहर ही नहीं निकल पा रही है। कांगड़ा ने कांग्रेस की झोली में 10 विधायक डाले हैं, लेकिन इसके बावजूद कांगड़ा की आवाज को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स और स्टाफ के तबादले और 350 कर्मचारियों को हटाने का मुद्दा भी उठाया। पवन काजल ने राहुल गांधी के मुद्दे को बेवजह तूल देने, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से 1416 परिवार विस्थापित होने और सीवरेज योजना को लेकर भी कई सवाल उठाए। जो 1500-1500 रुपए देने का जो वादा किया था, आपने पहले ही कैबिनेट में 1,00,000 नौकरियां देने का जो वादा किया था, आपने युवाओं के लिए रोजगार के लिए स्टार्टअप जो कहा था बिना ब्याज के हम 1,00,000 रुपए का प्रावधान करेंगे, वो भी 3 महीने निकल गए सरकार को, तो इसका भी इसके बारे में भी कुछ हल नहीं हुआ। और मैंने विधानसभा में भी कहा है कि कुछ एक ऐसे लक्ष्य होते हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, संस्थान होते हैं, उसके लिए राजनीति की जरूरत नहीं होती। राजनीति करने को और कई होते हैं, पर इस पे हेल्थ को लेके, स्वास्थ्य को लेके राजनीति नहीं होनी। ये जो कल की लगभग 300-350 के लगभग जो जितने भी जो वहाँ पे लगे थे, और कब लगे थे? कोविड काल में लगे थे, और कल से उनको एकदम फरमान आता है कि आपको निकलना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास कोई भी आपको रखने की कोई भी ऊपर से डायरेक्शन नहीं है। तो ये तो कहाँ का अन्याय है, न्याय है कि इतनी फरमान जारी कर देना और जितने भी 250-300-400 लोग जो लगे हैं उनको निकाल देना। तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो भी लगे कोविड काल पे, जो भी लगे थे, उनके लिए कोई योजना बद तरीके